नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डेली न्यूज एनालिसिस 14 अगस्त 2021 में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को नोटिफाई किया है। देखिए, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स यहाँ पे नोटिफाई किए गए। हालांकि इनके बारे में सरकार पहले बना चुकी, इनको ऑफिशियली यहाँ पे नोटिफाई कर दिया गया है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो प्लास्टिक कैरी बैग्स है इनकी थिकनेस को थोड़ा बढ़ाया जा रहा है, 120 माइक्रोन्स किया जा रहा है, ताकि ये थोड़े ड्यूरेबल हो जाए। और सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स में 1 जुलाई 2022 से बैन हो जाएंगे जहां पे सिंगल यूज प्लास्टिक्स। देखिए, यू हैव टू डिफरेंशिएट सिंगल यूज प्लास्टिक्स फ्रॉम मल्टीपल यूज प्लास्टिक्स। मल्टीपल यूज प्लास्टिक जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास एक प्लास्टिक बैग है, आप उसको लेके मार्केट में गए, आपने सामान खरीदा, उसको आप सामान घर लेके आए, उसके बाद आपने उस प्लास्टिक बैग को अपने पास रख लिया। आप जब भी आप मार्केट जा रहे हो सामान लेने के लिए, आप उस प्लास्टिक बैग को इस्तेमाल करो। तो इस प्रकार से जो प्लास्टिक का प्रयोग है दैट इज डिजायरेबल, वो सही है, क्योंकि एक ही चीज़ आप बार बार यूज़ कर रहे हो। लेकिन होता यह है कि हम लोग पहले मार्केट जाते थे, एक पन्नी लेते थे, पन्नी में 1 किलो आटा लिया, वापस आ गए, पन्नी फेंक दी, तो वो क्या है, सिंगल यूज प्लास्टिक से एक बार इस्तेमाल किया, खत्म हो गए। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक्स होता है, मतलब एक बार प्लास्टिक यूज होकर खत्म हो जाती है, जैसे कि ईयरबड्स विद प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बैलून्स, प्लास्टिक फ्लैग, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, पॉलिस्टीरीन थर्मोकोल फॉर डेकोरेशन, प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, कटलरी विद फॉक्स, स्पून्स, नाइफ, स्ट्रॉ, ट्रेस, इन सब चीज़ों में जो कि आप कह सकते हो 100 माइक्रोन थिकनेस से कम है, ये पूरी तरीके से बैन हो जाएंगी। प्लास्टिक का प्रयोग पूरी तरीके से बैन हो जाएगा 1 जुलाई 2022 से। और जो मल्टीपल यूज प्लास्टिक बैग हैं वहाँ पर आप ये कह सकते हो कि जो 50 माइक्रोन की थिकनेस परमिटेड थी, इसको बढ़ा के 75 माइक्रोन किया जाएगा 30 सितंबर 2021 से, और 120 माइक्रोन किया जाएगा 31 दिसंबर 2022 से। मतलब कि 12 अगस्त को पब्लिश नोटिफिकेशन के हिसाब से जो भी प्लास्टिक बैग्स मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज होते हैं उनकी थिकनेस को 120 माइक्रोन तक कर दिया जाएगा। मतलब 120 माइक्रोन से ज्यादा थिकनेस वाले आप बैग बना सकते हो, ड्यूरेबल होंगे, लंबे समय के लिए रिसाइकिल कर करके आप इनको इस्तेमाल कर लोगे। और चूंकि मार्केट में महंगे मिलेंगे, तो एक बार डीमार्ट या किसी भी दुकान में जाके आप इस प्रकार का बैग खरीदते हो तो आपको लगेगा कि यार बार बार बैग में पैसे देने पड़ रहे हैं, तो आप खुद ही उस बैग को बार बार मार्केट लेके जाओगे। ये जो पर्टिकुलर स्टैंड है इंडिया का, दिस इज इन लाइन विथ इंडिया स्टैंडर्ड 4th यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली। 2019 में ये जो UNEA की असेंबली हुई थी उसमें इंडिया ने एक रेजोल्यूशन मिस किया था सिंगल यूज प्लास्टिक्स पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए 2022 तक, और इसके लिए इंडिया को और मोदी जी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला था यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम द्वारा 2018 में। क्योंकि हम लोग बहुत पहले इस बात को प्लेज कर चुके हैं कि वी विल एलिमिनेट ऑल सिंगल यूज प्लास्टिक्स बाय 2022, तो 2018 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिला मोदी जी को। 2019 की 4th UNEA असेंबली में हमने रेजोल्यूशन मूव किया और फाइनली इस चीज को फुलफिल करने के लिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021। ठीक है भाई, तो ये चीज है। अच्छा, एक और बात, जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स प्लास्टिक पैकेजिंग में यूज किए जाते हैं वो अभी के लिए यहां पे कवर्ड नहीं है। ठीक है भाई, तो इसमें क्या किया जा रहा है कि ये जो फेजिंग आउट ऑफ प्लास्टिक्स है इसमें प्लास्टिक वेस्ट पैकेजिंग नहीं इंक्लूड की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इन सब चीजों का प्रयोग बंद है। तो जो पैकिंग में प्लास्टिक यूज की जाती है उसको ही बंद करो। अमेजन फ्लिपकार्ट के जो पार्सल आपके घर पे आते रहते हैं उसमें प्लास्टिक से लपेटा जाता है सामान, उसको भी बंद करो। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट है। मतलब जो इन प्लास्टिक्स का प्रयोग कर रहा है पैकिंग वगैरह के लिए, इम्पोर्टर, ब्रांड ओनर्स, प्रोड्यूसर्स, ये सब एज पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे। मतलब जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक से पैदा कर रहे हैं इसके डिस्पोजल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनके लिए होगी। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 सही से इंडिया में इंप्लीमेंट हो और से आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स को हम खत्म करें, इसके लिए एक नेशनल लेवल टास्क फोर्स भी बनाई गई है। गॉट इट। फिर अगर आप देखो हमारे इंडिया में ये बताया जाता है कि जितनी भी प्लास्टिक मैन्युफैक्चर की जाती है उसमें से 43% प्लास्टिक को पैकेजिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये सिंगल यूज होती है। सिंगल यूज मतलब एक बार यूज करके इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डाटा ये बोलता है कि एक पर्सन इंडिया में सालाना 9.7 kg ऑफ प्लास्टिक इस्तेमाल करता है और इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। नहीं करेंगे तो 2050 तक हमारे लैंडफिल्स में, मतलब हमारे जो वेस्ट डिस्पोजल साइट्स हैं वहां पे 12 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ प्लास्टिक निडर नजर आएगा। और ये सिंगल यूज प्लास्टिक सॉयल और वाटर को कंटेमिनेट करेगा, वाटर वेस्ट को चोक करेगा, नेचुरल डिजास्टर्स को 2050 तक बढ़ा देगा,
जितनी भी सी बर्ड्स हैं मछलियां हैं वो प्लास्टिक इंजेस्ट करेंगी, वो ह्यूमन सिस्टम से पहुंच जाएंगे, सीवेज सिस्टम ब्लॉक हो जाएंगे, ब्रीडिंग ग्राउंड्स मिल जाएगा मॉस्किटो को, टॉक्सिक केमिकल्स और एमिशंस एमिट होंगे जब इनको बर्न किया जाएगा इनको ट्रीट करने के लिए। यहाँ पे जो प्लास्टिक की थिकनेस होती है इसको कैसे मेजर किया जाता था, तो ये जो लर्ड है, ये जो वर्ड है आपका, इसको आप माइक्रोन बोलते हो। ये माइक्रोन होता है 0.0254 मिलीमीटर इनफैक्ट, और इसको आप 1 माइक्रोमीटर भी कह सकते हो। तो माइक्रोमीटर, माइक्रोन, 0.0254 mm, ये आपकी आप कह सकते हो स्टैंडर्ड थिकनेस मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टिक्स में। जनरल स्टडीज पेपर 2 में और जनरल स्टडीज पेपर 3 में न्यूज़ आपको काम आएगी। वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के हो सके तो डेफिनेटली हेल्प करें, आपके ज्वाइन बटन दबाने से बहुत फायदा दोस्तों। तो आई विल रिकमेंड यू टू हेल्प मी, यू कैन क्लिक द ज्वाइन बटन। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए। लेक्चर्स की नोटिफिकेशन तो नहीं बट लेक्चर्स की आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। मोदी जी ने लॉन्च की है नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। ये क्या है? वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। इसके बारे में पिछले 3-4 महीने से बातचीत चल रही है। इंडिया में व्हीकुलर पॉपुलेशन मतलब कि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ व्हीकल्स हो गए हैं, जो बहुत पुराने व्हीकल्स हैं, इन बहुत पुराने व्हीकल्स को चेक किया जाएगा और ऑडिट के दौरान अगर ऐसा लगता है कि ये व्हीकल्स अनसस्टेनेबल हो गए हैं, जरूरत से ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं, तो इनको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। इंडिया में 10 मिलियन कार्स हैं जिनके प्रॉपर फिटनेस पैरामीटर्स नहीं है, मतलब उनकी फ्यूल कॉस्ट भी ज़्यादा है और वो पॉल्यूशन भी ज़्यादा कॉज करते हैं। तो अगर हम इन कार्स को डिस्पोज ऑफ कर दें और इनके बजाय नई कार ले आएँ तो इससे एनवायरमेंट को बेनिफिट होगा और कम से कम 50,000 लोगों के लिए नौकरियाँ क्रिएट होगी। इसलिए नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लाई गई है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें वो नियम कानून दिए गए, वो तरीके दिए गए जिनके बेसिस पर पुराने व्हीकल्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। डेवलप्ड कंट्रीज की बात करो तो वो ऑलरेडी व्हीकल स्क्रैपेज को लेके डिटेल्ड पॉलिसी बना चुके हैं। ओके, अगर आप बात करो तो इंडिया की अब तक कोई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी नहीं वो बनाई जा रही। की हाइलाइट्स क्या है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की? तो भैया जो भी व्हीकल बेचा जाएगा उसकी जो स्क्रैप वैल्यू होगी वो 4 से 6% होगी, मतलब जिस रेट पे आपने उस कार को शोरूम से खरीदा था उसके 4 से 6% पैसा आपको वापस मिल जाएगा स्क्रैप में। अब जब आप व्हीकल को स्क्रैप करोगे इस पॉलिसी के अंदर तो आपको व्हीकल स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट के आधार पर जब आप नया व्हीकल खरीदने जाओगे तो 5% का डिस्काउंट मिल सकता है। अगर पर्सनल व्हीकल है तो 25% की रोड टैक्स में रिबेट मिल जाएगी, कॉमर्शियल व्हीकल है तो 15% की रोड टैक्स रिबेट मिल जाएगी। और सीधी सीधी बात यह कि भाई द न्यू व्हीकल पॉलिसी प्रपोजल्स प्राइवेट व्हीकल्स टू बी डी रजिस्टर्ड आफ्टर 20 ईयर्स इफ फाउंड अनफिट और इफ इट फेल्स टू रिन्यू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो क्या है भाई, 20 साल बाद चेकिंग करानी है, ओके, आपको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना है तो आपको जाके ओवरऑल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के अंदर जो भी अरेंजमेंट बनाएंगे उसके हिसाब से अपने व्हीकल को चेक कराना पड़ेगा। अगर चेक और ये जो फिटनेस टेस्ट पास नहीं करता है व्हीकल तो उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा और जो स्क्रैपेज सर्टिफिकेट दिया जाएगा केस बाय केस बेसिस पे आपकी रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ की जा सकती है नए व्हीकल की। जनरल स्टडीज पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, जनरल स्टडीज पेपर 3 कंजर्वेशन में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया एक्सपोर्ट्स एप्पल वैरायटी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। आए दिन हम लोग न्यूज सुनते रहते हैं कि अपेडा ने इंडिया से इस फ्रूट का एक्सपोर्ट बढ़ाया, इस चीज का एक्सपोर्ट बढ़ाया, तो ऐसे ही एप्पल्स का एक्सपोर्ट हिमाचल प्रदेश से। तो अपेडा ने HPMC के साथ मिलकर, यानी हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर 5 यूनिक वैराइटीज ऑफ एप्पल्स के फर्स्ट कंसाइनमेंट को बहरीन एक्सपोर्ट किया है। ये 5 एप्पल वैराइटीज कौन सी हैं? रॉयल डिलीशियस, डार्क बैरन गाला, स्कारलेट स्पर, रेड वेलॉक्स और गोल्डन डिलीशियस। ये तब हो रहा है जब इंडिया अपने मैंगो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और एप्पल एक्सपोर्ट्स तो हम लोग यहाँ पे बढ़ा ही रहे हैं। मैंगो आप कह सकते हो कि मैंगो शिपमेंट से पहले बहरीन में एक मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम दोहा कतर में लॉन्च किया था इंडिया ने। देखिए जब भी आप कोई फूड प्रोडक्ट फ्रूट इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हो तो जो खरीदार है वो उसकी क्वालिटी टेस्ट करेगा और उस क्वालिटी टेस्ट के लिए अपेडा पूरी दुनिया के अलग अलग बड़े शहरों में प्रमोशन प्रोग्राम्स चलाता है, जैसे कि बहरीन में, दोहा में, कतर में हमारे मैंगोज और एप्पल्स को बेचने के लिए इसका प्रॉपर प्रमोशन प्रोग्राम चलाया गया। तो इंडिया से सैंपल बेसिस पे पहले मैंगो सेब वहाँ पे गए, वहाँ के मॉलों में ट्रायल बेसिस पे बेचे गए, लोगों से रिव्यूज लिए गए और जब उनको लगा कि हाँ भाई ये यूजफुल है तब उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया इम्पोर्ट का। तो ये सब फैसिलिटेट करने के लिए एक बॉडी की जरूरत है और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपेडा कर रहा है। इनफैक्ट जुलाई 2021 में ही अपेडा ने एक जबरदस्त इनिशिएटिव लॉन्च किया था मैंगो एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, कहाँ?
वेस्ट एशिया में कौन से एप्पल्स को, तो जो जीआई सर्टिफाइड फाजिल मैंगो है जो कि मालदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल के हैं, तो इनको भी बहरीन एक्सपोर्ट किया गया। एप्पल की अगर आप बात करो जिसका साइंटिफिक नेम है मेलस प्यूमिला, ये टेम्परेट फ्रूट है, इसको कंज्यूम कर लिया जाता है फ्रेश, ज्यादातर केसेस में हम लोग एप्पल्स रॉ खाते हैं, कई कई केसेस में इसका जूस वगैरह भी बनाया जाता है। एप्पल इंडिया में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पहाड़ों, उत्तराखंड के पहाड़ों में उगाया जाता है। ये तो देखिए आपको पता होगा कि ठंडी जगहों पर एप्पल पैदा होते हैं। अब वैसे तो टेम्परेट फ्रूट है, तो एज सच हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा टेम्परेट इलाका है नहीं, बट पहाड़ों में क्या है ऊंचाइयों के चलते ठंडी हो जाती है, टेम्परेट टाइप कंडीशंस बन जाती हैं, इसलिए वहाँ पे एप्पल उगाए जाते हैं और हमारे एप्पल भी यहाँ पे एक्सपोर्ट भी किए जा रहे हैं। इंडिया में कौन कौन से प्रकार के एप्पल मिलते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम में, और वेबसाइट पे तो ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश होगी, आप दोनों जगहों से पढ़ सकते हो। जनरल स्टडीज पेपर 3 मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में न्यूज़ काम आएगी। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। अब ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम क्या है, लैंड वर्ल्ड रिकॉर्डेड सियाचिन ग्लेशियर। देखिए इंडिया में एक डिसेबिलिटी का ग्रुप, मतलब बहुत सारे लोग जो कि डिसेबल्ड हैं, वो अपना ग्रुप बना के सियाचिन ग्लेशियर पे एक एक्सपेडिशन जा रहे हैं और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किस चीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड, लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज टू रीच द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिशन दे दी है। कहां की बात कर रहे हैं, सियाचिन ग्लेशियर। तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर में जाने वाले डिसेबल्ड पीपल हैं, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग कौन देगा, तो टीम क्लॉ के मेंबर्स ट्रेनिंग देंगे। फुल फॉर्म क्या है क्लॉ का, तो कॉन्कर लैंड एयर वाटर। इस क्लॉ के अंदर एक्स इंडियन स्पेशल फोर्सेस कमांडोज होते हैं, वो इन डिसेबल्ड लोगों को, ग्रुप को ट्रेनिंग देंगे कि कैसे आप सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर चढ़ाई करोगे। कुमार पोस्ट जो है सियाचिन ग्लेशियर की, वहां पे ये जाएंगे। ठीक है भाई, वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल फील्ड है सियाचिन ग्लेशियर, कारगिल वॉर इसी के ऊपर हुआ था, ये आपको पता ही होगी। किसको बोला जा रहा है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ठीक है, एम्पावरिंग दिव्यांगजन के एग्जाम्पल को अगर सेट करने की बात की जाए तो दिस इज वन गुड एग्जाम्पल। अगर हम डिसेबल्ड पीपल की बात करें तो सेंसस 2011 के हिसाब से इंडिया में 121 करोड़ की आबादी में 2.68 करोड़ पीपल्स डिसेबल्ड हैं, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 2.21% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। ग्लोबली 100 करोड़ लोग डिसेबल्ड पर्सन हैं, जो कि ग्लोबल पॉपुलेशन का 15% है। सियाचिन ग्लेशियर की बात करिए तो ये ईस्टर्न काराकोरम रेंज हिमालयाज में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट है पॉइंट NJ 9842 के, जहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पास होती है। सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है वर्ल्ड के नॉन पोलर एरियाज का। एक तो पोलर एरियाज हो गया आर्कटिक और अंटार्कटिक, आर्कटिक अंटार्कटिक के बाहर जितने भी ग्लेशियर हैं उसमें से नंबर वन का सबसे लंबा ग्लेशियर है फेडचेंको ग्लेशियर इन याजगुलम रेंज तजिकिस्तान। ये लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है वर्ल्ड के नॉन पोलर एरियाज का। सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है आपका सियाचिन ग्लेशियर। अब ये लद्दाख का हिस्सा है जो कि यूनियन टेरिटरी बन चुका है। इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड, कारगिल वॉर यहीं पे हुआ था। ठीक है भाई, ये आपको दिख रहा है इधर सियाचिन ग्लेशियर, और इसी सियाचिन ग्लेशियर के बगल में ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, यहाँ देवसांग प्लेन्स है, और ये जो देवसांग प्लेन्स है, ये देवसांग प्लेन्स हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पे इंडियन पेट्रोलिंग पैटर्न्स को चाइना ने ब्लॉक किया है। आप देखोगे तो हॉट स्प्रिंग के पास जो गोगरा है वहां पे डिसएंगेजमेंट हो चुका है, गलवान वैली में डिसएंगेजमेंट हो चुका है, पेंगोंग सो में डिसएंगेजमेंट हो चुका है, लेकिन देवसांग प्लेन में नहीं हुआ है। चूंकि अगर चाइना देवसांग प्लेन के आसपास के इलाके के ऊपर कब्जा करता है तो आप समझो सियाचिन ग्लेशियर एक तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ है, और अगर ये पर्टिकुलर स्ट्रिप पे चाइनीज प्रेजेंस एक लिमिट से ज्यादा बढ़ती है तो हमारा सियाचिन ग्लेशियर ईस्टर्न एंड पे अक्साई चीन की तरफ से, जो कि चाइनीज एडमिनिस्टर है जहां चाइना की फोर्सेज हैं, उस तरफ से भी वल्नरेबल हो जाएगा। तो कल की डेट में चाइना और पाकिस्तान दोनों कोऑर्डिनेट करके एक अटैक करके सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। दिस इज द रीजन कि ओवरऑल ये वाला जो पर्टिकुलर इलाका है, यहां पे जहां पे आपके देवसांग प्लेन्स हैं, यहां पे इंडिया के पेट्रोलिंग प्रोटेंस बॉन्ड नहीं होने चाहिए। और चाइना वही कर रहा है, लगभग 900 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी इलीगली चाइना ने यहां पे हथियार रखी है। देखते हैं स्टैंड ऑफ यहां पे हटता है या नहीं हटता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में कि पर्टिकुलर न्यूज काम आएगी। और आज की आखिरी न्यूज, सेंटर लॉन्चेस सोन चुरैया। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने सोच इंडिया लॉन्च किया है, ये एक ब्रांड और लोगो है फॉर द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो अर्बन इलाकों में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम करते हैं, वो जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनकी मार्केटिंग के लिए सोन चुरैया नाम के इस ब्रांड ने लोगों को इस्तेमाल किया गया। ये किसके अंडर है, DAYNULM के अंदर, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंदर। क्या करेगा, इट विल फोकस ऑन इक्विपिंग अर्बन पुअर वुमन विद एडिक्वेट स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू एनेबल देम टू प्रमोट सस्टेनेबल माइक्रो एंटरप्राइजेस। ये वुमन को मोबिलाइज करेगा
from urban poor households into SHGs and their federations to create a support system for this woman. MOHUA के हिसाब से आप कह सकते हो कि 5.7 लाख SHGs फॉर्म हो चुके हैं अलग अलग स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में, जिसमें 60 लाख मेंबर्स हैं। ये जो SHGs हैं, ये इनके मेंबर्स को लाइवलीहुड एक्टिविटीज में इन सब चीजों में मदद करते हैं। ये लोग हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, टॉयज, ईटेबल्स, अलग अलग प्रकार की चीजें बनाते हैं। तो अर्बन इलाकों में ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, इनके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक लोगो जो है सोच रही है, बस वही है। ये याद रखना कि इसको लॉन्च किसने किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में लॉन्च किया। तो दिस इज बेसिकली एन अर्बन SHG सेंटर्ड इनिशिएटिव। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इनको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी बेचा जाएगा। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, MOU साइन किया अमेजन और फ्लिपकार्ट के साथ, ताकि अर्बन SHGs के प्रोडक्ट्स इनके प्लेटफॉर्म पे भी बेचे जा सके। ठीक है भाई, अभी तक आप कह सकते हो कि 2000 प्रोडक्ट्स ऑफ नियरली 5000 SHGs मेंबर्स अक्रॉस 25 स्टेट्स एंड UTN टेरिटरीज, ये अभी यहाँ पे साइन ऑन किए गए, धीरे धीरे करके अमेजन फ्लिपकार्ट पे बेचे भी जाएंगे। SHGs को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा रही है कि कैसे वो अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे पोर्टल्स पे अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे उसको बेच सकते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन इसको चलाता है। 24 सितंबर 2013 को स्कीम लॉन्च हुई थी। इससे पहले जो स्कीम चल रही थी वो थी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ठीक है, अब इसको NULM कहा गया है। ओके भाई, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, NULM को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। अर्बन पुअर पे फोकस करता है, स्ट्रॉन्ग ग्राउस रूट लेवल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है, मार्केट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट पुअर को अवेलेबल करवाता है, और गरीबों को पैसा भी, लोन भी आसानी से अवेलेबल हो जाए ये भी इंश्योर करता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 और जनरल स्टडीज पेपर 1 में न्यूज आपको काम आएगी। Thank you for watching, friends. Have a great day. Goodbye.